हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं फार्मिंग सिम्युलेटर 20। जैसा कि आपको याद हो, हमने अपने पिछले वीडियो में काउ फीडिंग की थी। और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हमने अपनी पिछली वीडियो में काउ फीडिंग की थी, और आज की वीडियो में हम ओल्ट को फीड करने वाले हैं। और ओल्ट के साथ साथ हमारा एक न्यू बिजनेस भी होने वाला है, जो कि ये होल्ट है। हम उसको फीडिंग करवा के हम उसको अच्छे दाम में बेच सकते हैं, जिससे कि हम पैसा कमा सकते हैं। तो हम आज की वीडियो में ओल्ट को फीड करवा कर उसको अच्छे दाम पर बेचने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा हमारा होल्ट, जो कि हमारा ज़्यादा होने वाला, जो कि मैं आपको वहाँ पर दागे भी दिखाने वाला हूँ इसको। तो पहले हम यहाँ पर अपना ये खेतों का काम निपटा लेते हैं, फिर हम बाद में अपना बिजनेस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमारा खेतों का काम निपटा के फिर हम अपने होल्ट को आपको दिखाते हैं। और ये मुझे गेम में एक बात समझ में नहीं आती, ये खेतों में बिना पानी दिए ये फसल कैसे उग जाती है? बिना पानी के फसल उग जाती है भाई गेम के अंदर। तो यहाँ पर मुझे अपने ट्रैक्टर को दो, पहले ये दो मशीन अटैच किया हुआ, हम इस मशीन को दिए अटैच करते हैं। और यहाँ पर हमारी फीडिंग के लिए जितनी मशीन है हमारे पास वो तो भी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये मूवर चाहिएगा, ऐसे अटैच करते हैं अपनी मशीन को। तो ये अटैच हो चुकी है यहाँ पर, तो हम अभी के साथ इसे काम पर लगाते हैं यहाँ पर। जो कि हम इसको अपने ग्रास वाले खेत में इसको मूवर को वर्क पर लगा देते हैं। जो कि ये रहा हमारा ग्रास का एरिया, तो अब हम इसे यहाँ पर काम दे देते हैं इन्हें इधर काटने का। जो इतना इधर काटता मैं आपको औरतें मिलवा देता हूँ। तो ये हमारा न्यू होल्ट है, जो कि मैंने यहाँ पर बाय किया है। और आप देख सकते हो हमारे होल्ट को, तो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके तरने का अंदाज देखो आप, किस तरह ये तर ला। और हम इसकी राइड भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक निशाना टुका और हम इसकी राइड कर सकते हैं यहाँ से। ये मैंने यहाँ पर थोपर टैन कर लिया, आपको इनके साइड में देख सकते हैं मैंने इसकी डेली राइटिंग थोपर टैन कर ली है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इसकी डेली राइटिंग थोपर टैन हो चुकी है। और इसकी वैल्यू इस वक्त 2,742 रुपये है, अगर हम इतने टाइम पे वो करते हैं तो बेचते हैं। तो इसकी हेल्थ है 91%, तो हमें इतने वाटर और फूड खिलाना होगा जितने इसकी हेल्थ है बरकरार रहे। और इतने क्लीन भी कर देते हैं हमें, और हमने इतने क्लीन कर दिया है। लेकिन मैं इतने ये इसके ऊपर बैठ के राइड कर रहा तो ये गंदा हो गया था, तो मैंने इतने क्लीन भी क्लीन कर दिया है। तो हम यहाँ पर अपने इसके वोटर और खाने की ओर ध्यान देते हैं। तो वोटर तो अभी फूड बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, जो कि हमें उसके लिए तो बहुत कुछ करना है फूड के लिए, पर वो तो हम यहाँ पर ला के रख सकते हैं। क्योंकि एक वाटर टैंक हमारा काउ के पास, तो हमें एक वाटर टैंक और ख़रीदना होगा और के लिए। और ये
यहाँ पर हमारा ट्रैक्टर पलट चुका है और यहाँ पर हमारा खराबी हो चुका है ट्रैक्टर। तो ऐसे बड़े बड़े बिजनेस में ऐसी छोटी मोटी एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो हमारे एनिमल में पाएगा वो तो टैंक ये तो शायद ये क्या करता है प्रीमो 15। ये यहाँ पर हमारा वोटर टैंक 9500 में हम इधर बाई कर लेते हैं। यहाँ पर तो हमने इधर बाई कर लिया है। तो अब हम इधर यहाँ पर अटैच करके इसमें वोटर फिर करके हम अपने ओट के पास लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे रुपये भी कट चुके हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर अपने घोड़े को ये घास दे दिए यहाँ पर इसको अपनी मशीन में लाकर। तो अब हमारे यहाँ पर अपने घोड़े का पेट और पानी पूरी तरह से मिल चुका हमारे घोड़े को। अब इसकी डेली राइटिंग का टाइम हो चुका है। तो आज हमें इसकी राइटिंग शो पर अटेंड करनी है। आप वहाँ पर हमारे रुपयों के साइड में देख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको बाहर लेकर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों प्लीज़। तो हम वापिस अपने घोड़े को कुछ की जगह पर रख देते हैं। और अब हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे घोड़े बाइक करने वाले हैं। तो हमें तो यही पे ही खड़ा कर देते हैं और यहाँ पर मालिक मशीन ने ये फसल की पूरी तरह से काट दी है। तो हमें से दूसरे खेत में ले जाते हैं। तो हमारी मशीन भी आधे के फालतू बच चुकी है। तो अब इन्हें ये भी खड़ा कर देते हैं जो कि अभी तक हमने कोई भी खेत में नेक्स्ट फसल नहीं उगाई है। तो हम पहले वहाँ पर फसल उगाते हैं फिर फसल उगने में भी टाइम लगेगा। तो हम अपने ट्रैक्टर को वहाँ पर लेकर चलते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा घोड़ा अकेला फील ना करे और भी घोड़े पाए बाइक करने वाले हैं। पर उससे पहले हमें अपनी एक नई मशीन खरीदनी है ये फसल काटने वाली जो कि बहुत ही भारी काटती है। यहाँ पर हमारा ट्रैक्टर फट गया। क्या हो गया यहाँ पर? तो हम यहाँ से निकल जाएंगे निकल के।
तो हम आपको अपने खेत में पहुंचने के बाद मिलते हैं। और ये अपना ट्रैक्टर अनबैलेंस हो गया था, तो हम यहाँ पर अपने खेत में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हम इसे खड़ा कर देते हैं और हम अपने खेत में ये जो आप हमारे दूध भी बेचना, देखते हैं हमारे पास दूध कितना इकट्ठा हो चुका है। 1,000 अभी तो बहुत कम है। और हमारे घोड़ी का क्या लाभ है, अमित की फिटनेस कैसे बता सकते हैं? अगर आप ये गेम खेलते तो आपको घोड़े के बारे में पता होगा, आप मुझे बताना। तो यहाँ पर हमारे एक दूसरा ट्रैक्टर तो वहाँ पे है नीर के अंदर, तो मुझे वो भी यहाँ पर लाना होगा। तो दोस्तों हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आप